बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, हम आज आपको सुजुकी कल्टस का इंटीरियर पोशिश ब्लैक कलर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो आए इस वीडियो में मुकम्मल दिखाते हैं कि इसका ग्रे इंटीरियर होता है, इसके गत्ते, सीटें, फ्लोर मैटिंग, इसकी रिपेयरिंग, डबल फोमिंग, ओडी स्टाइल के अंदर किस तरह तैयार करते हैं। तो आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। वॉश हो के आ गई हमारे पास, आप इसका नीचे कारपेट भी करते हैं। आए गाड़ी का अंदर से इंटीरियर भी आपको दिखाते हैं। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं। इसकी जो ड्राइवर सीट की हालत है आप देखें कि वन बिल्कुल डबल टू, और गाड़ी वॉश हो गई है, नीचे से फर्श साफ हो गया है, कारपेट इसका ये उतारा है, साथ में इसकी फ्लोर मैटिंग भी करनी है, तो गत्ते भी ये उतार लिए, और बैक सीट अंदर पड़ी थी वो भी अभी निकालते हैं। तो आए साथ साथ फिटिंग करके आपको मुकम्मल दिखाते हैं। चलते हैं शॉप पे, आ गए हैं, सीटें आपको कल्टस की दिखाते हैं। इसकी सीटों की हालत हुई है 1122, तो इनके साथ रिपेयरिंग भी करेंगे। अगर पीछे वाली सीट की हालत पे आए तो आप खुद देख लें, ये जो कपड़ा लगा हुआ है ये कंपनी का कपड़ा, कंपनी फिटिंग है। अगर फ्रंट वाली सीट पे आए तो काफ़ी सीटें बैठी हुई हैं, इसमें रिपेयरिंग वगैरह भी होगी, नमदे भी लगेंगे। अगर फ्रंट बैक पे आए तो वो भी आप देखें कि बिल्कुल बैठी है सीट। अब इसको फिलिंग भी करेंगे, साथ में आपको दिखाते हैं। तो आए एक और गाड़ी की भी साथ फिलिंग हो रही है, देखें टोयोटा करोला की। तो इस तरह हम नमदे लगा के फिलिंग वगैरह करते हैं, कि फिलिंग का ये फ़ायदा होता है सीट अपनी प्रॉपर हालत में आ जाती है। तो अगर बैक सीट पे आए तो कुछ बेहतर है। और साथ में एक और अहम चीज़ है जो गत्ते हैं इसके, वो भी आपको दिखाते हैं कि कंपनी फिटिंग वाले जो गत्ते होते हैं ये देखें, इनको पानी से ये देखें ख़राब हो जाता है, ये पानी से गत्ते हो जाते हैं ख़राब। तो ये देखें इसकी हालत भी बिल्कुल ख़राब है, पापड़ बना हुआ है। अब इसका जो ऊपर रैक्सिन और कपड़ा लगा होता है ये कंपनी फिटिंग है, कस्टमर ने ब्लैक कलर में रेड स्टिचिंग के साथ ओडी स्टाइल के साथ तैयार करवाया। तो वो भी दिखाते हैं, ये सारे गत्ते आपको दिखाने का ये मकसद होता है कि अगर आपके अच्छा काम करवाना चाहते हैं तो इसको हार्ड बोर्ड में कन्वर्ट करेंगे। अगर गत्तों पे आए तो इसके गत्ते प्लास्टिक के नहीं मिलते, ये हार्ड बोर्ड के ही मिलते हैं, और जेन्युइन क्लिप फिटिंग के साथ हम गत्ते इसके तैयार करते हैं। अब ये वाला कपड़ा नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर लगाने जा रहे हैं ब्लैक कलर में। तो अब जो आपको दिखा रहे हैं ये देखें फ्रेश हार्ड बोर्ड, नरम वाला, ये ख़राब नहीं होता, टूटता नहीं है। और जो हम डाई की फिटिंग पे गत्ते तैयार करते हैं तो ये देखें इसकी जेन्युइन फिटिंग के साथ ये क्लिप फिटिंग होगी, खड़पेचे वगैरह इसको नहीं लगाएंगे। तो आए चलते हैं, अब सीट कवर भी आपको दिखाते हैं, और गत्तों पे जौन सा रेड कंट्रास्ट करने जा रहे हैं ब्लैक के साथ वो भी दिखाते हैं। तो अब अगर आए सीट पोशिश पे तो ये देखें ओडी स्टाइल डबल फोमिंग, एटीएस वांगी कंपनी का अच्छे वाला मटेरियल, रेड स्टिचिंग। अगर स्टिचिंग अच्छी हुई हो, फिटिंग अच्छी हुई हो और फोमिंग अच्छी हुई हो तो बैठने का भी मज़ा आता है। और अब गत्ते आपको सादे भी दिखा रहे हैं, पोशिश भी दिखा रहे हैं। ये सेट पूरे टोटल पे हमने डिज़ाइनिंग की है, इसमें जो हमने पट्टी लगाई है वो लगाई है कार्बन फाइबर की, ये देखें कितनी खूबसूरत, और फोम अच्छे वाला लगाएं। अगर आप दूर हैं तो अगर पोशिश वाला भी अच्छा काम करेगा उसके पास दोबारा कस्टमर आएगा। तो आए इसके गत्ते कुछ तैयार साजी कर रहे हैं, गत्ता भी आपको दिखाते हैं। तो अब ये देखें ये गत्ते पे हमने टोटल रैक्जिन लगा दिया, जो कि पोशिश पे भी लगना है, ब्लैक कलर, रेड स्टिचिंग की है डबल स्टिचिंग के साथ, ये गत्ता हो गया तैयार। अब इसका जो ऊपर वाला प्लास्टिक वाला हिस्सा वो भी इसके साथ फिटिंग करेंगे, और इसको ये आपको मैंने पहले भी बताया इसके अंदर जेन्युइन क्लिपों के अंदर फिटिंग आएगी। तो आए चलते हैं, अब सीटों की साथ साथ फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। सीट की रिपेयरिंग पे आए तो ये देखें पहले वाला आपको दिखा रहे थे, अब इसकी साथ साथ हमने नीचे इसकी स्टिचिंग कर दी है, जिस तरह प्रॉपर जेन्युइन शेप बनती है। अब जंबो लॉन की ये देखें मुकम्मल इस पर फिलिंग हो रही है, रिपेयरिंग करके साथ साथ मुकम्मल आपको दिखा रहे हैं। ये वही सीट है जो पहले आपको दिखा रहे थे कि बैठी हुई थी। अगर इसकी स्टिचिंग पे आए, ओडी स्टाइल के अंदर इसको तैयार किया हमने, स्टिचिंग जो इसकी देखें बिल्कुल प्रॉपर है, और अंदर सारी मुकम्मल इसकी खिंच वगैरह हमने फिटिंग कर दी, जैसे कि कंपनी फिटिंग और बकेट सीट में इसको कन्वर्ट करना है। तो आए साथ साथ फिटिंग करके आपको दिखाते हैं मुकम्मल, इस साइड से भी फोम लगा के। अगर फ्रंट सीट पे आए तो ये देखें इसकी इसी तरह इसको स्टिचिंग कर रहे हैं, साथ साथ इसका भी जंबो लॉन के साथ इसकी रिपेयरिंग करके मुकम्मल फिटिंग करके। आए चलते हैं फिटिंग की तरफ।
सीटों की रीलिंग पे आए तो WD-40 लगाया, ये देखें जंग से भरी थी, आगे पीछे मशीनें दी थी हो रही, इसको WD-40 लगा लें या ऑयल लगा लें उससे भी बेहतर हो जाती हैं। तो आए चलते हैं अब गाड़ी के अंदर, आपको दिखाते हैं फ्लोर मैटिंग का भी के साथ साथ काम हो रहा है। अगर फ्लोर मैटिंग भी आए तो ये देखें साथ मैटिंग हो रही है, थोड़ा सा नेरा है। तो आए चलते हैं सीटों की तरफ, सीटों के इंटीरियर पे आए तो इसका कलर होता है ग्रे, लेकिन भाई ने इसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट करना है पूरा इंटीरियर, तो सात गत्तों के मैचिंग कलर कर रहे हैं। ये देखें इसको भी पेंट हो गया है, तो अब इसकी भी मुकम्मल गत्ते फिटिंग करके, नट वगैरह लगा के, पॉकटें लगा के फिटिंग करके दिखाते हैं। अगर सीट की तरफ आए तो पीछे वाली सीट आप देखें, इसकी रिपेयरिंग वगैरह हो गई, इसको भी साथ साथ फिटिंग करते हैं प्रॉपर जेन्युइन फिटिंग। सीट पे आए तो इसकी सीट की हालत ज़्यादा ख़राब थी, ये ड्राइवर सीट थी। अब इसकी रिपेयरिंग देखें, सारा पहले वाला जो कपड़े वाला था वो काफ़ी लूज़ हो गया, उसको उतार के इसकी नीचे रिपेयरिंग की है। अब साथ साथ इसके अंदर भी फोम अच्छे वाला लगा हुआ है, डबल फोमिंग आपको बता रहे थे, और स्टिचिंग भी बिल्कुल प्रॉपर जेन्युइन हुई। तो अब ये सीट फिटिंग करके आपको मुकम्मल करके दिखाते हैं। तो अगर गत्तों की तरफ आए तो इसकी भी ये देखें साथ साथ फिटिंग शुरू हो रही है मुकम्मल। पहले आपको दिखा रहे थे पेंट होने गए थे, ये ब्लैक कलर में ग्रे होते हैं, तो अब ये देखें गत्तों की लुक, इस पर भी रेड कलर की जिस तरह सीटों पे स्टिचिंग की है उसी तरह ही इस पर रेड स्टिचिंग की, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। तो ये देखें ये फैनल राउंड गत्ते का बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग के साथ। तो अगर इसकी सफाई पे आए तो जब मर्जी आप गीला कपड़ा लगाएंगे मुकम्मल साफ हो जाएगा, कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ, रैक्सिन का ये फायदा होता है। तो आए चलते हैं सीटों की तरफ, आपको दिखाते हैं सीटें भी साथ साथ मुकम्मल फिटिंग हो गई हैं। सीटों की हालत पे आए तो पहले आपको मैं सीटें दिखा रहा था, अब आप देखें कि इसकी रिपेयरिंग भी हो गई है डबल फोमिंग के साथ, बिल्कुल प्रॉपर जेन्युइन फिटिंग भी हो गई है। फ्रंट सीट आप देख लें कि पहले भी आपको हालत दिखा रहे थे, अब पूरी प्रॉपर फिटिंग के साथ इसको फिटिंग की है। अगर बैक साइड पे आए, बैक सीट की हालत पे आए तो उसकी भी हालत आपको दिखाई थी, अब फैसला आपने करना है, आपने देखना है। ये भी मुकम्मल फिटिंग है, पूरे सेट पे डिजाइनिंग की है। अगर इस पे तो अगर इसके फटे पे आए तो ये देखें इसको भी हमने बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग के साथ कारपेट नया लगाया, जिस तरह के कंपनी फिटिंग होता है। पहले वाला कारपेट इसका कलर फेड होगा, अगर आपकी गाड़ी का भी किसी का कारपेट ख़राब हो गया है तो उसके ऊपर भी हमारे पास जेन्युइन नमदा होता है, ये लग जाएगा। ये देखें इस तरह लग रहा है कि जिस तरह कंपनी फिटिंग है। तो आए मुकम्मल फिटिंग करके आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो गया इधर ही दिखा के, तो चलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अब इसके गत्ते भी तैयार हो गए, तो आए चलते हैं अगली वीडियो में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन सी गाड़ी का इंटीरियर कलर तैयार करने जा रहे हैं।